हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सारे सत श्रीकाल। अध्यापक साथी तो मापे जिन्हें भी इस वीडियो नाल जुड़े ने उन्हों का बहुत बहुत स्वागत, उन्हों का भी धन्यवाद है कि इस वीडियो नाल जुड़ के बच्चों की मदद कर रहे हैं। अध्यापक साथियों को बेनती है कि वीडियो खत्म जो होएगी करन उपरंत प्लीज़ इसमें शेयर कर दियो अपने बच्चों तक ताकि उन्हों की मदद हो सके। बच्चे PAS की तैयारी जी कर रहे हैं। पंजाब अचीवमेंट सर्वे जिहड़ा कि तुहानू पता ही है कि सितंबर अक्तूबर नवंबर तीन पड़ावों में होगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। बच्चों की दोहराई भी होगी और बच्चे रहिंदा काम जिहड़ा वह भी कंप्लीट करनगे। सो प्यारे बच्चों, जिवें कि तुहानू पता ही है कि करोना वायरस की जिहड़ी बीमारी है वह अपने बैड टू वर्स कंडीशन पहुँच चुकी है और सानू ताकीद की गई है डिपार्टमेंट वालों भी, सरकार वालों भी और सेहत महकमे वालों भी कि असी घर रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, मास्क की वरतों करनी है, लगातार हत्थां नूं धोना है। तुसीं सियाणे बच्चे हो, पंजवीं क्लास के बच्चे हो, तुसीं इस गल नूं भली भांत समझदे हो। सो बाहर नहीं निकलना और अपने छोटे भैन भरावां नूं बाहर निकलण तों संकोच करना है, नहीं निकल देना, घरां 'च ही रहना है, पढ़ाई करनी है, सेफ रहना है। ठीक है बच्चे। सो अज असीं एक नवा पाठ पेठा शुरू कर जा रहे हैं। तुहाडी स्क्रीन के उपर पाठ नज़र आ गया, पाठ नंबर 9 है जंगल अते जीवन। जंगल दे विच जीवन किस तरह का हुंदा है, जीवन किस तरह जंगली वातावरण नूं प्रभावित करता है, सारे बारे पाठ है। इस बारे आपां विस्तार नाल पढ़ांगे और नाल नाल चर्चा भी करांगे। सो सब तो पहला अज असीं इस पाठ की शुरुआत जिहड़ी है पढ़न अभ्यास तो कर रहे हैं। सो सारे बच्चे अपनी किताब जिहड़ी है मेरी दुनिया वो सामने कढ़ के पाठ नंबर 9 जंगल ते जीवन कढ़ लो और मेरे नाल नाल जिहड़ा है तुसीं इस नूं पढ़ना है और समझना है नाल नाल, क्योंकि नाल नाल समझांगे तां ही असीं इहदी अभ्यास जिहड़ी है कंप्लीट कर सकांगे, अभ्यास तों जिहड़ा है सीख सकांगे कि किस तरह असीं पाठ 'च पढ़िया कवर कीता है। ठीक है। सो चलो पढ़न अभ्यास शुरू करते हैं। ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੰਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ सहारे जीवन गुजारन वाले आदिवासी लोकां बारे सी। मेरे लिए जंगलां बारे जानकारी एक नवी गल सी, क्योंकि साडे राज पंजाब विच जंगल नामात्र हन। यह फिल्म भारत दे अलग अलग राज्यां नाल संबंधित सी। इस फिल्म राही जो कुछ मैं जानिया जां सिख्या है तुहाडे नाल सांझा करन जा रही हाँ। जंगलां तो भाव केवल किसी विशाल स्थान उत्ते संघने रूप विच उगे हुए रुख पौधे ही नहीं, सगों झाड़ियाँ, जंगली जीव जंतु अते एक वसन वाले आदिवासी भी जंगलों का हिस्सा हैं। भारत के कई राज जिमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, अंडेमान अते निकोबार आदि विच विशाल जंगल हैं। इन्हां जंगलां विच रहण वाले लोग आदिवासी अखवाउंदे हन। हुण पेज नंबर 55 ते बेटा पहुँचदे हां। साडे भारत विच बहुत सारियां आदिवासी जातियां हन। कुछ आदिवासी जातियां ते उन्हां दे
खेत्रां बारे जानिए कित्थे कित्थे आदिवासी जिहड़ी जातियां ने उह रहिंदियां ने उन्हां बारे विस्थार नाल दस्सिया गया कि राज विच कि जाति रहिंदी है। सो सब तो पहला है मणिपुर। मणिपुर दे विच बेटा मरम ते चीरू इस नां दीयां जातियां जिहड़ियां ने उह रहिंदियां ने। उस तों इलावा दूसरा है असाम। असाम दे विच जिहड़ा है बोडोज नां दी जाति रहिंदी है। राजस्थान है, राजस्थान दे विच बेटा भील नां दी जाति रहिंदी है। और मध्य प्रदेश दे विच गौंड, झारखंड दे विच मुंडा। ठीक है, सो ये पंजाबी वाला मुंडा नहीं, ये उत्थों दे तुसीं जाति बारे जानकारी लै रहे हो जिहड़ी कि झारखंड नाल संबंधित है। उत्थों दी जाति है आदिवासी जाति मुंडा जाति। ठीक है, सो अगे पढ़ते हैं। आदिवासी लोगों का पूरा जीवन जंगलों नाल जुड़िया होंदा है। जिवें तुसी तस्वीरां देख रहे हो आदिवासी ने अपनी पुस्तक के उपर, मेरी दुनिया पुस्तक के उपर जिहड़ा पाठ पढ़ रहे हैं, चंगी तरह तुसी ये तस्वीरां देखो कि इन्हां दा पहरावा किस तरह का होंदा है और ये लोग किवें अपना जीवन बसर जंगल विच करदे ने। ये वख वख जातियां ने, एक जाति नहीं है। यह जिहड़ी अलग जाति है, यह अलग है, यह अलग है, तो यह अलग आदिवासी जाति है। यह लोग अपने भोजन का प्रबंध जंगलों तो करते हैं। बहुत सारे जंगली फल, पत्ते, जड़ां आते जंगली जानवर इन्हां दा भोजन का हिस्सा बनते हैं। यह लोग शिकार लई पाले, तीर कमान आदि की वरतों ज़्यादा करते हैं। यह आदिवासी लोग जंगलों तो प्राप्त बहुत सारिया जड़ी बूटियां नाल ही अपनिया बीमारियों का इलाज करते हैं। अपनिया आर्थिक लोड़ां की पूर्ति करन लई यह लोग जंगलों तो प्राप्त पदार्थों तो कई महत्वपूर्ण वस्तां तैयार करते हैं, जिवें पत्तियां तो पत्तलां, बांस तो फर्नीचर अते सजावटी वस्तां तैयार करते हैं। कुछ होर पदार्थ जिवें बीज, गिरियां, गूंद, पशुओं का चारा, शहद अते बालण आदि का मुख संबंध भी स्रोत भी जंगल ही हैं। अजकल यह लोग इन्हां वस्तुओं का व्यापार भी कर रहे हैं। अगे बेटा पेज नंबर 56 है, पेज नंबर 56 ते बेटा क्रिया है नंबर 1। तुसी बांस का पौधा जरूर देखा होएगा। हेठां दित्ते खाली स्थान विच बांस के पौधे का चित्र बनाओ या लगाओ। ठीक है, सो बेटा मैं कोशिश करदा तुहानू दसण दी कि बांस का जिहड़ा पौधा है किस तरह का हुंदा है। ठीक है, और तुहानू भी पता होना चाहिए है कि बांस का जिहड़ा पौधा बच्चे वो एक दिन विच कई सेंटीमीटर वध जांदा है। ठीक है, तुसी बांस के पौधे नू एक दिन देखोगे और दूसरे दिन उसकी परख करोगे, दूसरे दिन उसनू वाचोगे देखोगे तो उस विच कई सेंटीमीटर गुणा का वाधा हो चुका होंदा है। बड़ी तेजी नाल बांस का पौधा जिहड़ा है वाधा है, इस दा मेन गुण है। सो इस तो अलावा फर्नीचर इस तो बनता है, वह दस दिता है। सो आपां तस्वीर जिहड़ी है उत्थे बांस की बनाउण की कोशिश करांगे, वह मैं तुहानू दसदा कि किस तरह का हुंदा है।
इस तरह का बेटा वास्ता जोड़ा है बंबू टाइप जोड़ा है वो पौधा होंगे है और इस दे उपर इसी तरह ही वक् वक् पत्ते उपर होंगे ने। ठीक है और ये बड़ी तेजी ना वाधा है यदा गुण मैं तुम्हें पहले ही दस चुका। ठीक है और बांस तो की बनता है वो तुम्हें मैं दसता है कि फर्नीचर बनता है और इस तो जड़ा है बेटा इसका जड़ा कूला भाग है नरम भाग है जड़ा कि इस दे खोल में होंदा है सब तो उपर जिस तरह सब तो उपर पौधे का कूला भाग होंदा है नरम भाग होंदा है उसनों कट के सब्जी बना के भी खाधी जाती है। और इस तो अलावा बेटा घर तुसी लकड़ दियाँ पौड़ियाँ बाजार तो खरीद के लैके आते हो बांस दियाँ ही बनिया होंगे ने। इस तो अलावा बांस जड़ा है वो घर छतों उपर जड़ा है वो वरत्या जाता है। इस तो अगे है बेटा पर चिंता का विषय यह है कि जंगल बड़ी तेजी नाल कटे जा रहे हैं जंगलों की अन्नेवाह कटाई दे बहुत नुकसान हैं। तुसी तस्वीर देखो बेटा थल्ले ध्यान नाल ये जंगल दी तस्वीर ने पर जंगल दी तस्वीर रुख कटे हुए ने लगातार जंगल कटे जा रहे ने इन्हां दा बहुत ज़्यादा नुकसान हुंदा है बारिश नहीं हुंदी। सो भूखोर जिहड़ा है वो लगातार हुंदा है और इस तों अलावा बहुत सारियां दवाइयां जिहड़ा कागज़ असीं वरतदे हाँ वो इन्हां लकड़ां तों ही पैदा हुंदा है माचिस दियां तीलियां फर्नीचर दवाइयां छां ऑक्सीजन बहुत सारा फायदा जिहड़ा है इन्हां रुखां दा है जो कि कटाई होने तों बाद असीं इन्हां तों वांझे हो जावांगे और हो भी रहे हाँ। सो अगे पढ़ते हैं बेटा जंगलों की कटाई का सब तो वड्डा नुकसान ये है कि कटाई कारण जंगली जीवों के विकास स्थान खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल सही है बेटा क्योंकि जंगली जीव जदों इन जंगलों च रुख ही नहीं रहेंगे तो वह कितने रहेंगे समतल इलाकों च नहीं रह सकते। सो जंगली जीव जिहड़े ने उन्होंने घर खत्म हो रहे हैं। धरती दे लगभग 70% जीव जंतु ते पौधे जंगलों विच ही वधदे फुलदे हैं। जंगलों की कटाई कारण जीव जंतुआं अते पौद्यां दियां कई जातियां खत्म हो गई हैं जां खत्म होने दे किनारे हैं। नंबर 3 जंगलों की कटाई कारण उस स्थान के तापमान विच भी तब्दीली आ जाती है जो उत्थों के पौद्यां अते जीव जंतुओं लई बहुत हानिकारक साबित हुंदा है। ये भी गल सही है बेटा क्योंकि जिहड़ा वातावरण है उहदा समतोल जिहड़ा है रुखां नाल ही है। अज इन्नी तपश इन्नी गर्मी क्यों वध रही है इस कारण ही है क्योंकि रुखां की घाट हो गई है और जंगल दे विच वातावरण समतोल बनाई रखने लिए रुख बड़े जरूरी ने ते जदों रुख कट्टे जाते हैं तो जंगली जीव जिहड़े मरने शुरू हो जाते हैं क्योंकि तापमान वध जाता है। पॉइंट नंबर 4 रुखां दियां जड़ां मिट्टी नूं कस के रखदियां हन अते इन्हां कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहिंदी है परंतु जंगलों की कटाई कारण धरती की उपजाऊ पकड़ कमजोर हो के खुरन लगती है इस नूं भौंखोर कहा जाता है। जिस तरह मैं वीडियो दे इस 2-4 मिनट पहले तुहानूं दस्सिया सी कि रुखां की कटाई के की नुकसान होंदे ने उन्हां भी वड्डा नुकसान है कि भूखोर हो जाता है जो रुख कट्टा जाता है तो उपरली मिट्टी बारिश होने नाल खुरनी शुरू हो जाती है और मिट्टी की उपरली परत विच ही बच्चे बहुत सारे इनग्रीडियंट्स जिहड़े ने पौद्यां नूं वधन फुलन लई चाहिए होंदे ने
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਨਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਜਾਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਜਾਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬਾਗ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਣ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿ ਵਣ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਹਰ ਪੌਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੂ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਕੜ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਣ? ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਫੈਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫੈਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 700 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਦਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ
सेम वाले खेतरां विच लगाया जा सकता है। सेम वाला खेतर किहड़ा हुंदा बेटा, ये तो पता लग गया कि सफेदा ज़्यादा पानी खिंचदा, ये नहीं लाउणा चाहिए। सेम वाला खेतर वो हुंदा बेटा जिथे पानी का स्तर बहुत उपर आ जाता है, तो कई बार पानी धरती तो अपने आप बाहर आना शुरू हो जाता, उसनों सेम वाला इलाका जिहड़ा वो कहा जाता। हुण अगे पढ़ते हैं बेटा, जंगलों नूं बचाउण लई असीं की कर सकते हैं, आओ सिखिए, आओ थोड़ा सोचिए भी। रुखां तों तैयार होण वाले पदार्थ जिवें कागज़ात दी मुड़ वरतों करके असीं कापियां बेटा किदां पाड़दे हां, क्लासां दे विच पाड़दे सी ना कापियां, किन्ने कागज़ खिलरे हुंदे सी, साडे अध्यापक सानूं डांटते सी कि इस तरह नहीं करना, सानूं तकीद करते सी कि कागज़ किन्ना औखा बणदा है, एक कागज़ एक कापी बनाउण वास्ते एक पूरे का पूरा रुख जिहड़ा है उसनूं कट्टणा पैंदा है। सो जदों तुसीं पेज पाड़ो कापी दा ये समझ लियो कि तुसीं एक रुख नूं एक दरख्त नूं जिहड़ा है कट रहे हो। सो उसनूं दोबारा आपां वरतों च लिया के कागज़ नूं कापियां नूं ते इस दी जिहड़ी वरतों करके आपां रुखां नूं बचा सकदे हां। लकड़ां दी संजम नाल वरतों करके असीं लकड़ां दी संजम नाल संभाल करके वरतों कर सकते हैं। अगे पेज नंबर 58 है बेटा, अगला पॉइंट है वधदी हुई आबादी दी रहायश दे प्रबंध लई जंगलां दी कटाई दी थां बदलवें प्रबंध करके, क्योंकि जिथे बेटा रुख कट्टे जांदे ने उत्थे आबादी लई नवें मकान बनाए जांदे ने, सो इहदा बदलवां प्रबंध करना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट खेतीबाड़ी लई जमीन दी वध रही जरूरत नूं पूरा करन लई जंगलां दी कटाई करन दी थां फसलां दे वध उत्पादन लई नवीआं खोजां अते तकनीकां वल वध ध्यान देना चाहीदा है। और लास्ट च खाणयोग पदार्थां नूं व्यर्थ नहीं गवाउणा चाहीदा। ये तो बहुत वधिया गल खीर ते की गई है बेटा, होर कारणां होर आपां जिहड़े सोचे पॉइंट कि आपां जंगलां दी राखी कर सकते हैं, कटाई रोक सकते हैं, पेड़ां नूं बचा सकते हैं, रुखां नूं बचा सकते हैं। इस तों इलावा ये बड़ी वधिया गल कही गई है कि खाने नूं आपां जिहड़ा है जिहड़े खाण दे पदार्थ ने उन्हां नूं व्यर्थ नहीं गवाउणा चाहीदा, क्योंकि जदों धरती चों कोई बीज पुंगर के खाण लई साडे वास्ते पौधे दे रूप च और फल दे रूप च तैयार हुंदा है काफ़ी समा लैंदा है, आपां वेस्ट कर लगे हां बेटा एक मिनट नहीं लाउंदे, असीं डस्टबिन सुट दिंदे हां बाहर सुट दिंदे हां, जिन्नी लोड़ होवे उन्नी ही खुराक रोटी चावल दाल लैनी चाहीदी है, इस नूं व्यर्थ नहीं करना चाहीदा। ठीक है बेटा, सो बेटा थोड़ी जी टाइम आपां ज़्यादा लै लिया, वीडियो लंबी हो गई है, कोई गल नहीं, सारे अध्यापकों को बेनती है कि शेयर जरूर करो और बच्चे इसकी तैयारी करने, पाठ आपां कंप्लीट पढ़ लिया है, इसकी अभ्यास आपां नैक्सट वीडियो कवर करांगे। सो बेटे हुण मैनूं इजाजत दिओ, अगली वीडियो फिर मिलांगे, तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, सारिआं नूं सत श्री अकाल।